हेलो फ्रेंड्स, हमारे बेस्ट होममेकर कविता चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको खजूरी सलवार बताने जा रहे हैं और हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सके। तो जिसके लिए मैंने क्रॉप का कपड़ा लिया है, आप सेंटून के कपड़े से भी बना सकते हो। और ये मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है, तो 3 मीटर में से हम आपको सलवार बनाना बताएंगे। और देखिये, सबसे मैं इसकी जो मेन बात है वो बता दूं मैं आपको। जैसे कि हम कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो उसकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 40 होती है, 41 होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन मेरे पास जो ये कपड़ा है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसकी लेंथ है हमारे पास 54 इंच। ये देखिए 54 इंच हमारे पास इसकी लेंथ है, और जैसे हम खरीदते हैं तो हमारे पास 40 रहती है। तो देखिए 40 पे मैंने ये मार्क लगाया हुआ है, तो हमारे पास इतना कपड़ा फालतू है। तो इसमें से हमारी खजूरी सलवार बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं कटिंग की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने इसमें से पार्ट निकालेंगे। तो पार्ट के लिए देखिए कपड़े को खोलना है और ये दोनों आपस में छोर मिला के इस तरीके से, और कपड़े को 4 तह में कर लेना है, यानी कि 4 लेयर में कर लेना है, जिससे हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट निकल सके इस तरीके से। और हमारी बेल्ट भी इसी कपड़े में से निकल जाएगी। तो हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर देते हैं बिल्कुल बराबर करके। और ये मुझे 40 इंच की सलवार बना के तैयार करनी है, तो मैं इसमें 35 इंच के पार्ट ले रही हूँ, यानी कि 35 इंच के। तो देखिए हम यहाँ 35 इंच पे निशान लगाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाएंगे, और फिर इसको सीधा करके और हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए इसमें से हमें कपड़ा कम करना है, क्योंकि हमको जो उसके लिए चाहिए अपने मोहरी के लिए कपड़ा पार्ट के लिए, वो अपने मोहरी के हिसाब से लेंगे। आप जितनी भी चौड़ी मोहरी पहनती हैं, तो देखिए जैसे हम अपनी मोहरी को 6 इंच की तैयार रखेंगे, तो 6 में हम सिर्फ 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम टोटल 8 इंच के पार्ट लेंगे अपने, और कपड़ा कम कर देंगे। और जो हमारा कपड़ा आपको दिख रहा है उसमें से हम अपनी बेल्ट को निकाल देंगे। तो देखिए हमने जो पार्ट की चौड़ाई है वो हमने 8.5 इंच ली है, हमारी 6 इंच तैयार, 2.5 इंच एक्स्ट्रा है, वो हमारा थोड़ा बहुत सिलाई में इधर उधर को हो जाता है, आप 8 इंच ही लें। तो देखिए हमने ये हमारा जो कपड़ा है ये बिल्कुल सेफ बच तो कर चुका है। जो हमारा 40 इंच कपड़ा होता है उसमें से भी हमारा ऐसे ही बचता है, तो हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखना, मैं यहाँ से इसको 2 पार्ट कर लूंगी, वो कपड़ा मैंने अलग निकाल दिया है। अब ये हमारे पार्ट कट के तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा अभी हमने आपके सामने कपड़ा निकाला है इसमें से, उसमें से हम अपनी बेल्ट को निकालेंगे। तो ये हमारे पार्ट हो गए। अब देखिए इसमें से हमें थोड़ा जॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम इसको 4 तह में कर लेते हैं। और देखिए लेंथ, जैसे हमारा 7 इंच का जो बेल्ट है वो तैयार होगा, कोई छोटा भी रखता है और कोई, मैं 7 इंच का रखती हूँ इसको तैयार, उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी जो कि हमारा नाड़ी के लिए फोल्ड होगा। तो इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैं 22 इंच रखूंगी। तो देखिए हमारे पास ये, इसमें से हमारा जो मोहरी वाला कपड़ा होगा वो भी निकल जाएगा, और हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़े को इतना। तो देखिए पहले हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे, और जितना भी मुझे जॉइंट लगाना होगा उतना मैं इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दूंगी, और ये कपड़ा जो दिख रहा है उसमें से मोहरी निकल जाएंगी, तो हमारा इसी में काम हो जाएगा। तो मुझे जैसे 22 इंच रखना है सिर्फ, 22 में 1 इंच सिलाई के लिए ले लेंगे। तो ये देखिए ये 22 इंच तैयार है, और ये हमारा 23 इंच लेंगे, इतना इसको कट कर देंगे, और यहाँ से ये कपड़ा हम मोहरी के लिए बचा देंगे इसमें से। अभी देखिए ये मेरी बेल्ट भी निकल चुकी है। अब जो मेरा ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम अपनी मोहरी निकाल देंगे, अगर आपके पास थोड़ा बहुत कपड़ा कम हो, क्योंकि हमें इसमें से कट करके और इतना इतना फोल्ड करना है, तो डबल करके हमारी मोहरी आराम से निकल जाएंगी, इसमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा। अब जो बाकी का कपड़ा बचा है उसमें से हम अपनी
कलियां निकालते हैं। तो देखिए अब ये सलवार है जो बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि कलियों के लिए काफी कपड़ा हमारा बच चुका है। अब तो इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे टू लेयर में, इसको बिल्कुल बराबर करके। और देखिए सिर्फ ऐसे एक लेयर बस, दो इसको डबल फोल्ड ही करना है, यानी कि फोर लेयर में नहीं करना है जैसे हमने अभी उसके लिए रखा था। तो इसको बराबर कर लेते हैं। तो देखिए जितना भी कपड़ा है वो मैंने पूरा बिछा लिया है। आप देख सकते हैं कि जो इसका पना है वो काफी बड़ा है। अब हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो हम अपना जो आसन है वो 15 इंच का तैयार रखेंगे। तो हम यहाँ 8 इंच पे निशान लगाएंगे। और दूसरे कोने पे भी एक खुले की साइड निशान लगेगा और एक बंद की साइड, ये बंद की साइड भी 8 इंच पे लगाएंगे। और देखिए इंच टेप को इस तरीके से तिरछा करके रख देंगे ऐसे, और फिर इसको यहां से निशान लगाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे वहीं तक। अगर देखिए आप थोड़ी चौड़ी मोहर रखना चाहती हैं ऐसे, तो आपको इस तरीके से रखना होगा, जैसे यहां से भी कली में से भी रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रखती। इस तरीके से निशान लगा के ऐसे और फिर लेके जाना होगा ऐसे, लेकिन मैं नहीं रखती, मैं बिल्कुल खाली रखती हूँ, क्योंकि कली थोड़ी बहुत ऊंची भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती, जब चौड़ी होती है तो बहुत दिक्कत आती है सिलने में। अब इसको हम कटिंग कर देंगे, दो कली इस साइड से निकलेगी खुली वाली साइड से और दो कली बंद वाली साइड से निकलेंगी। और आज की वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग ही बता रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो को अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो आप पहले कटिंग कीजिए। स्टिचिंग की वीडियो मैं कल ही अपलोड कर दूंगी। अब देखिए एक आसन वाली साइड बंद है उसको अलग करना है, और एक कली वाली साइड बंद है यहां से, अब इसको भी हम अलग कर लेते हैं। तो देखिए रखने के बाद थोड़ा सा हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी सिलाई के बाद ही आपको पूरा कुछ समझ में आएगा। ये जो आपको इस साइड से प्लेटें दिख रही हैं, यहाँ से ये प्लेटें कुछ ऊपर की साइड जाएंगी और इनका लुक बहुत अलग होगा। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो प्लीज़ मिस मत करना, आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो इस राइट हैंड साइड कॉर्नर पर दिख जाएगी जब इस वीडियो को एंड होगा तो। और अगर कटिंग की देखनी है तो जब सिलाई की वीडियो का एंड होगा तो कटिंग की वीडियो दिख जाएगी। तो राइट हैंड साइड पर ज़रूर देखें कॉर्नर पर, और डिस्क्रिप्शन में भी हम हमेशा लिंक दे के रखते हैं। अगर आपको कटिंग की वीडियो आज की पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, क्योंकि लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते। अगर नहीं मिलते तो हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको तुरंत लिंक देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसकी सिलाई की वीडियो में। थैंक यू।